Assalamu alaikum and good morning everybody. This is Saqib Usman and you people are watching World Knowledge. Dear friends, हम discuss कर रहे थे biological molecules और आज की हमारी जो topic है biological molecules में वो है proteins के ऊपर और वो बहुत ही important है, आप लोगों ने ध्यान देनी पड़ेगी इस पे. तो let's start without wasting our time. Dear friends, आज की हमारी topic है proteins के ऊपर. So, दोस्तों प्रोटीन्स आप लोगों को जैसे कि पता है प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सही, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स को जिस तरह से हमने सेल के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करे थे तो हमें पता लग गया था कि सेल के बहुत सारे सेल के स्ट्रक्चर हैं जहां पे प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट थी. और सबसे बड़ी बात कि मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर ली कि जो एंजाइम जो होते हैं वो हम अक्सर ये कहते हैं कि एंजाइम और प्रोटीन इज नेचर, यानी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. और एंजाइम हमारे जितने बॉडी में जितने सारे फंक्शन होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. सही, तो उनको क्या करते हैं, मेन किरदार जो होता है एंजाइम्स का होता है. विदाउट एंजाइम हमारी बॉडी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है. तो एंजाइम्स को जो मेन सपोर्ट मिलती है, एंजाइम जिस चीज पे चल रहे होते हैं वो प्रोटीन है. तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह से हम डिफरेंट फंक्शन अपने कर रहे हैं. सही है, सेल ग्रोथ, सेल फंक्शन वगैरह जितने सारे हो रहे हैं प्रोटीन उनमें इन्वॉल्व है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, सोर्सेज, सी किससे मिलकर बने, वो हम सारे आज डिस्कस करने वाले. सो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहे. सही है, तो सबसे पहली बात डियर फ्रेंड्स, जो हमें ये कहा जाता है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो पहले आप ये समझ लें कि प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसके माने होते हैं प्रोट्यूस. प्रोट्यूस से मिलकर बना है. सही, प्रोटीन्स प्रोट्यूस से मिलकर बना है. और प्रोट्यूस के माने क्या होते हैं, प्रोट्यूस के लफ्ज जो है उसका मानी होता है कि फर्स्ट रैंक या प्राइमरी. इसका ये होता है कि जैसे कि मैंने पहले वाटर की बात करी थी, वाटर जो है इनऑर्गेनिक अगर सब्सटेंसेस की मैं बात करूं तो सबसे जो है वो वाटर के बाद जो आती है, सी वो मोस्ट एवर्डेंट जो है ऑर्गेनिक में वो प्रोटीन है. जो मोस्ट एवर्डेंट है अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो पहले तो वाटर आ जाती है. सी जो 70% हमारी बॉडी उससे कंपोज होती है, इसके बाद जो है वो प्रोटीन की नंबर आती है जो सबसे एबंडेंट है. और अगर हम सेल की जो ड्राई वेट को देखें, सेल को ड्राई करके ड्राई वेट को अगर देखें सेल की, तो 50% से अबव जो होती है वो रेशियो किसकी होती है, प्रोटीन की होती है. सही है, तो इस तरह से इसको नाम दिया प्रोट्यूज, यानी फर्स्ट रैंक प्राइमरी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बात करूं इसके जो आपके जो किसने इसको डिस्कवर किया था, तो अगर मैं बात करूं तो बर्जीलियस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल थी. और इसके अलावा एक डच केमिस्ट थे, सही है, जोहन मुल्डर, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स के वो उन्होंने डिस्कस करे थे 1838 में. सही है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, अगर प्रोटीन्स को हम डिफाइन करना चाहें तो प्रोटीन्स को हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. अक्सर हम ये सुनते हैं, ऐसे जो लिखा होता है जिस तरह से अगर हम देखें तो ये लिखा होता है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. तो ये अमाइनो, ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिस तरह से मैंने स्टूडेंट्स पहले भी आप लोगों से शेयर करा था कि पॉलीमर जो होते हैं, लेट सपोज अगर मैं बात करूँ ये एक दीवार है, सी दीवार मैं कहता हूँ एक पॉलीमर है. सही है, तो दीवार किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है. जो ब्रिक्स जो है वो क्या है, वो पॉइंट है, वो यूनिट है कि वो एक साथ मिला के फिर बड़ी दीवार बना लेते हैं. इस तरह से छोटे छोटे अमाइनो एसिड एक साथ होके वो क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा प्रोटीन बना लेते हैं. यानी जो आपके मोनोमर्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी जो ब्रिक्स होते हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं, और आपकी जो प्रोटीन जो होती है, आपकी पॉलीमर होती है, पूरी दीवार जो होती है वो प्रोटीन होती है. सही है, तो यार जिस तरह से छोटे छोटे ईंट मिलके दीवार बनाते हैं, इस तरह से छोटे छोटे अमाइनो एसिड एक साथ होके, छोटे छोटे मोनोमर एक साथ होके बड़ा सा पॉलीमर प्रोटीन बना लेते हैं. ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 100 से अगर कम आपके अमाइनो एसिड तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, और उससे अबव हो तो प्रोटीन उसको कहा जाता है. लेकिन ये बात 100% ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई ऐसे जो प्रोटीन थे उनके अमाउंट जो क्या है 100 जो है उससे क्या है कम है, से उनकी रेशो, उनको प्रोटीन हम कहते हैं. वैसे पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, अगर एक लंबी चेन बन जाए तो उनको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है. लेकिन बहुत लंबी हो जाती है 100 अमाउंट से अबव हो जाती है तो हम कहते हैं ये क्या है, प्रोटीन की वो मॉलिक्यूल है. सही है, तो यहां तक ये तो बहुत ही बेसिक थी सी प्रोटीन. अमाइनो एसिड अगर डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं. सही है, कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो अमाइनो एसिड की जो मेन अगर कंपोजिशन की मैं बात करूं तो कुछ एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक आपका कार्बन, कार्बन तो आपको पता है कि मैंने बात करी कि ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में कार्बन तो लाजमी है. सही, कार्बन के बाद आपकी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कई दफा जो है सल्फर और
फॉस्फोरस भी क्या होते हैं, मिले होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इनमें मौजूद होते हैं, मेन एलिमेंट्स है, से इनसे इनसे मिलके बने होते हैं आपके अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की वैसे अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो वो 100 से अबव जितने सारे वो अमाइनो एसिड्स को डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि जिनके मुख्तलिफ सीक्वेंस से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बने होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमें पाए जाते हैं हम उन्हें देख सकते हैं। से अगर हम मैं वायरस की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, ह्यूमन बींग की बात करूं, तो 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमनली हमें मिल जाते हैं। सही है, उनको हम देखेंगे कि किस तरह से वो डिफर करते हैं, कैसे होते हैं वो हम देख लेंगे। अभी अमाइनो एसिड की थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, थोड़ा मैं साइड पे हट रहा हूँ, मैं स्लाइड से आप लोगों को भी समझाऊंगा। सही है, मेरी आवाज आती रहेगी, मैं थोड़ा बोर्ड से हट रहा हूँ, आप लोग देखते रहे इसको, पहले आप इसको देख ले थोड़ा सा। यस डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, आप लोगों को, आप लोग यहां से देख लें सही तरीके से, आपको दिखाई देगा कि ये क्या है। ये आपको जो है, ये सेंट्रल जो आपका कार्बन है, इसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। इसके साथ एक साइड पे अटैच है आपकी क्या, अमाइनो ग्रुप। क्या ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप, एनएच ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की ग्रुप है। सही है, COOH कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे जो आर है साइड चेन, इसको रेडिकल कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। सही है, आर सही है साइड चेन है, ये रेडिकल है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और अमाइन जो एसिड होते हैं वो इसी, ये फिक्स नहीं होता है कि कोई भी हो, ये अगर किसी भी हम देखें अमाइन एसिड में ये होता है लाजमी, ये पार्ट ये आपका अमाइन ग्रुप, और ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप, ये हाइड्रोजन और सेंट्रल आपका कार्बन जो होता है ये लाजमी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये वरी करता है, ये चेंज होता है, और इसी बेस पे हम कहते हैं अमाइन एसिड डिफरेंट फेयर होता है। सही है, ये क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं कि किस तरह के अमाइनो एसिड हो। सही है, ये इसी वजह से आप देखेंगे अमाइन ग्रुप पे और ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, इसीलिए इसको कहा जाता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। यहाँ पे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है। सही है, अमाइनो ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप और ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को मिलकर हम क्या कहते हैं कि अमाइनो एसिड की ये स्ट्रक्चर है। ये आर रेडिकल जो है फंक्शनल ग्रुप किस तरह से डिफर करती है वो हम देख लेते हैं, जरा आप देख लें। सही, ये देखें, ये आपके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए अमाइन ग्रुप पे हाइड्रोजन कार्बोक्सिली जो मैंने अभी आपको पीछे स्ट्रक्चर में दिखाया, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। अभी हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे आप देखें एलेनिन है, से एक अमाइनो एसिड एलेनिन। यहाँ पे आप देखें NH2 कार्बन, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपकी H है, ये प्राइमरी आपकी कार्बन है। यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे रेडिकल की आ गई, फंक्शनल ग्रुप CH3 आ गई, तो इसको हमने नाम क्या दिया, एलेनिन का नाम दे दिया हमने। सही है, अभी देखें ये चेंज हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ये चेंज हो गई, C3H7 यहाँ पे आ गई, ये स्ट्रक्चर से ये चेंज हो गई। यहाँ पे रेडिकल तो हमने इसको नाम दे दिया क्या, विलायन का। लेकिन बाकी आप देखिए ये अगर अमाइनो ग्रुप की अगर हम बात करें, ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के ग्रुप की बात करें, तो वो वैसे के वैसे हैं। सही है, वो चेंज नहीं हुए। अभी यहां पे देखें लाइजिन की अगर मैं बात करूं, लाइजिन यहाँ पे चेंज है, ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसा है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया ये ग्रुप। से यहाँ पे ग्रुप चेंज हो गया तो क्या हुआ, इसका इसका नाम बन गया लाइजिन का। इसी तरह से एस्पार्टिक एसिड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे CH2COH आ रही है, तो यहाँ पे हो रही है क्या, हो रही है चेंजिंग आ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है चेंजिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब ये आपकी आर ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप है, इसकी चेंजेस की वजह से अमाइनो एसिड क्या करता है, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर आर एस रेडिकल की वजह से चेंज हो जाती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और उसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, वो डिफर होते हैं। सही है, इसी रेडिकल की वजह से। तो भी आगे जाएंगे, ये किस तरह से अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बेटा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। ये आपकी एक क्या है, अमाइनो एसिड है, यहाँ पे क्या है COH कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप है, ये आप देखेंगे कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप है, ये क्या है कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप है। ये आपकी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये आपकी अमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पे आपका रेडिकल है। अभी ये एक दूसरा अमाइनो, ये दूसरा एक आपका अमाइनो एसिड है, यहाँ पे आप देखेंगे कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप है। सही है, ये क्या है कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप है। कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप के बाद अगर मैं बात करूं, फिर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आपकी NH ग्रुप है। सही है, अमाइन ग्रुप है, ये आपके रेडिकल और ये आपके हाइड्रोजन है। अभी होता क्या है, जब ये दोनों बहुत ही कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक की ये अमाइनो आपका है, सही, ये आपके अमाइनो जो ग्रुप है, ये देखें आप, सही हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे मैं बात करूं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की, जो OH ग्रुप है, सही है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर निकल जाते हैं, यहाँ पे एक जगह बन जाती है,
ये मिलते हैं तो इससे क्या होता है, H2O आपका क्या होता है, H2O आपका रिलीज हो जाती है। H2O क्या हो जाती है, H2O आपकी रिलीज हो जाती है और यहाँ पे एक जगह बन जाती है, एक बॉन्ड नहीं बन जाती, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये नाइट्रोजन जो है आपकी, ये नाइट्रोजन इस जो कार्बन के साथ क्या होती है, बॉन्ड बना लेती है, पेप्टाइड बॉन्ड, सही है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और इस बंद में क्या हो रहा है, एक वाटर जो है क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होती है रिलीज हो जाती है और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज बन जाती है। इस तरह से बेटा जितने सारे यहाँ पे अमाइनो एसिड होंगे, इसी तरह की लिंकेज के जरिए से क्या हो रहे हैं, जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए। आप बात याद रखें, पूछा जाता है, सही है। अभी हम आगे जाते हैं, अभी देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, अभी आगे हम कुछ चीजें देखेंगे। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो है आपके क्या है, डिफरेंट आपके क्या है, आपके पास अमाइनो एसिड 20 जो मोस्ट एसेंशियल है वो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे, ये आप देख लें, 20 जो है आपके अमाइनो एसिड है। ये देखें एलेनिन है, यहाँ पे 3-letter कोड लिखा हुआ, ये 1-letter कोड है, सही है। ये देखें आर्जिनिन है, एस्पर्सिक एसिड है, इसी तरह से विनाइन ट्राइसिन, सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए 20 जो मोस्ट एसेंशियल है, ये आप देख लें, सही समझ लें, फिर हम आगे जाएंगे कि किस तरह से ये। अभी हमने बात करी है कि जो अमाइनो एसिड किस वजह से क्या होते हैं, डिफर होते हैं रेडिकल ग्रुप की वजह से, लेकिन प्रोटीन किस तरह से डिफर होते हैं वो हम देखेंगे अभी। बेटा प्रोटीन जो होती है कास्ट सीक्वेंस से बने होते हैं, कि एक सीक्वेंस यहाँ पे एलिनिन 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 फिर आर्जिनिन आ जाती है, लेकिन कई दफा क्या होता है ये सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, कि पहले कौन सी क्या होती है अमाइनो एसिड आनी चाहिए, सीक्वेंस की वजह से फिर प्रोटीन की क्या होती है खुसूसियत चेंज होती है, सही है। किस तरह से चेंज होती है वो हम देखेंगे अभी। ये देख लें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, अगर आप देख लें इनको तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लें ह्यूमन की, तो ये क्या है, कुछ आपके क्या है कोडिंग है, यहाँ पे क्या है वन वर्ड जो कोडिंग है, 1-letter कोडिंग, अभी मैंने आपको दिखाया था ये 1-letter कोडिंग है, सेम ये 50 अमाइनो एसिड है डिफरेंट से, ये अरेंज है यहाँ पे। अगर हम देखें माउस में, ये ह्यूमन बींग, अगर हम माउस में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोडिंग सीक्वेंस चेंज हो रही है, यहाँ पे ये सेम है लेकिन यहाँ पे चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे देखें चेंज हो रही है, इस तरह से ये अमाइनो एसिड क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस अपनी चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह सीक्वेंस की चेंज होने की वजह से डिफरेंट जो जितने सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन हमारे बॉडी में बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से क्या होते हैं, चेंज होते हैं बेटे, इसी तरह से सब इसी तरह से चेंज होते हैं। अभी हम बात करेंगे, होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे, मैं ज्यादा टाइम यहां पे वेस्ट नहीं करूंगा, आगे जाऊंगा क्योंकि टॉपिक हमारी लेंथी है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, टोटल अगर मैं बात करूं तो 4 इसमें चेन होते हैं सिकल सेल एनीमिया। अगर मैं एक बात करूं हेमोग्लोबिन की, तो हेमोग्लोबिन में 4 जो 2 अल्फा और 2 बीटा है, 141 अल्फा और बीटा की अगर मैं बात करूं, बीटा चेन के तो कितने अमाइनो एसिड, 574 टोटल आपके अमाइनो एसिड होते हैं हेमोग्लोबिन में। तो अगर मैं बीटा चेन की बात करूं, बीटा चेन नंबर 6 की, अमाइनो एसिड नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, वहां पे ग्लूटामिक जो एसिड होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, किसमें चेंज हो जाती है, वो वरी कर जाती है ग्लूटामिक, जो ग्लूटामिक आपका एसिड जो होता है वो क्या होता है अमाइनो एसिड चेंज कर जाती है विलायन में। जब ये विलायन में कन्वर्ट हो जाती है बेटे, तो इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि इसमें क्या आ रही है, म्यूटेशन आ रही है, तो इसमें क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, इसके को जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाते हैं। वैसे अगर हमें बात करूं तो हमारा जो रेड ब्लड सेल है मेमोरी वो क्या होता है, इस तरह से होता है, डिस्क शेप होता है, स्फेरिकल। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं, जब सिकल सेल एनीमिया में इस तरह का म्यूटेशन आ जाती है तो ये इस तरह से हो जाती है, सिकल की तरह हो जाती है, सही है, इस तरह से हो जाती है। इसको फिर नाम क्या दिया जाता है, सिकल सेल एनीमिया, सही है। इसमें फिर प्रॉब्लम होती है, ये सही तरीके से क्या होता है, आपके ऑक्सीजन सही तरीके से कैरी नहीं कर पाता, सही है, इसमें म्यूटेशन हम कहते हैं आज। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस जिस तरह से बनी हुई है उसी तरह से वो क्या है, करेक्टरिस्टिक सेम है, अदरवाइज अगर ऐसा ऐसा हुआ तो क्या हो जाता है, काम आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, म्यूटेशन आ जाती है। यहाँ पे आप देख लें, ये नॉर्मल आपका प्रोटीन है, सही है, यहाँ पे क्या हो रही है, म्यूटेंट प्रोटीन आपकी विलायन में आ जाती है। जो ग्लूटामिक एसिड है वो किस तरह किस में चेंज हो रही है, विलायन में चेंज हो रही है, सही है बेटे, ये सिकल सेल एनीमिया है। अब ये हम आगे चलते हैं, जी बेटी अगली हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल जो लेवल्स हैं प्रोटीन्स के, उनकी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर लेवल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आपकी आ जाती है, कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो ये लीनियर चेन होता है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा का सीधा होता है, सही है, ऐसा टेढ़ा वेढ़ा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है, इस तरह से अगर मैं बात करूं बिल्कुल इस तरह से सीधा होता है,
सही अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दी हुई है, हम कहते हैं कि लीनियर चेन है सही। और इसकी मिसाल अगर मैं लूं तो इंसुलिन की मिसाल मैं दे सकता हूँ कि इंसुलिन की एग्जांपल है ये, क्या है प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी जो है स्ट्रक्चर है बेसिक बिल्कुल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर मैं आगे जाऊं तो दूसरी जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है वो आपकी दूसरी स्ट्रक्चर आपकी आ जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको ये स्पाइरली क्वाइल्ड है। यहाँ पे क्या होती है असल में हाइड्रोजन और सल्फाइड जो बॉन्ड होती है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं खींच लेते हैं, फिर तो क्या करते हैं खींच लेते हैं सही है। यहाँ पे लेट सपोज मैं अगर कह रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन है सही है और यहाँ पे क्या है आपकी सल्फाइड बॉन्ड है, तो ये क्या करते हैं खींच लेते हैं इस तरह से, दूसरी तरह से इस तरह से खींचने लग जाते हैं। जब खींचने लग जाते हैं तो क्या बन जाती है इसकी कुछ स्पाइरल क्वाइल्ड की शेप बन जाती है, इसको हम हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें हेयर की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्पाइरल जो वेब है इसकी एग्जाम्पल हम दे, वैसे देखने में तो हमें ये बिल्कुल सिंपल लगते हैं ना, हम कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो इसकी शेप जो है इस तरह की बनी होती है सही है। ये बॉन्डिंग की जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्डिंग, इनकी वजह से क्या होती है ये इसमें खिंचाव आ रहा है और क्या होता है स्पाइरल बन जाता है सल्फाइड बॉन्ड, रीजन जो स्पाइरल की स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड की वजह से सही है। अभी हम आगे चलते हैं, ये होगी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर आपकी आ जाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर। बेटे टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद थ्री डायमेंशनल फोल्ड्स जो होता है, ये आपका सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर था जिसकी मैंने बात करी क्या होता है ये थ्री डायमेंशनल फोल्ड्स बहुत ज्यादा क्वाइल्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है जब क्वाइल्ड हो जाती है बहुत ज्यादा तो हम कहते हैं कि ये क्या है। अभी देखें आप इस तरह से क्या होता है क्वाइल्ड हो जाती है, इस तरह से जब क्वाइल्ड हो जाती है तो हम उसको नाम देते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर का। ये पेप्टाइड हाइड्रोजन आयनिक और डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं इन सब की प्रेजेंस की वजह से ये हाईली क्वाइल्ड हो जाती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये इसकी एग्जांपल है सही है, वो हम देख सकते हैं सही है। इसके बाद अभी हम आगे जाएंगे, अभी टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली, अभी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सही है। ये आप देख लें व्हेन टू और मोर सबयूनिट पॉलीपेप्टाइड कंबाइंड, जब सबयूनिट जो पॉलीपेप्टाइड की क्या होती है, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं एक साथ दो तीन आके एक साथ क्या करते हैं हाईली क्वाइल्ड होते हैं एक साथ आके मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। वो सिंपल है एक क्वालिटी, लेकिन दो तीन चार आके सब यूनिट जब आके एक साथ जमा हो जाते हैं तो उनको क्या होते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक आपका होमोजीनियस हो सकता है और एक का हेटरोजीनियस हो सकता है। यहां पे क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे आपका हेटरोजीनियस है क्योंकि दो अल्फा है और दो बीटा है सही है, वो डिफरेंट है। जब ये चारों के चारे आपके क्या होते हैं अल्फा अगर स्ट्रक्चर से बने होते तो हम कहते हैं या ये क्या है होमोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, लेकिन अभी यहाँ पे क्या ये हेट्रो है क्योंकि दो बीटा है दो अल्फा है, ये हेट्रोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो क्या है हेमोग्लोबिन है बेटा, हेमोग्लोबिन इसकी क्या है एग्जाम्पल है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की। अच्छा फिर बात आ जाती है फंक्शंस की मेरे बेटे, फंक्शंस की बात आ जाएगी तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस बहुत सारे इंपोर्टेंट है, वो एक एक करके हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से मैं अभी बोर्ड से हट जाऊं, आ जाऊं वापस, ये आप देख लो थोड़ा सा क्या यस स्टूडेंट्स, फंक्शंस की अगर हम बात करें जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस बहुत सारे होते हैं सही, बहुत सारे फंक्शन होते हैं क्योंकि हमने बात करी थी कि सेल के जितने सारे स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन तो बहुत ही एसेंशियल है ना। बात आ जाती है मेक दी सेल स्ट्रक्चर, सेल की जितने सारे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने सेल वॉल की बात करी थी पिछले चैप्टर में, सेल मेम्ब्रेन की बात करती, न्यूक्लियस में आपका जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है सही, आपका जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो आपके जीन्स जो होते हैं सही, उनमें ये सब में मतलब मौजूद होता है आपकी जो मैं अगर बात करूं आपके जो आपकी सेल की पूरी स्ट्रक्चर है आपकी साइटोसोल की बात करूं तो वहां पे क्या होता है यहाँ पे प्रोटीन की प्रेजेंस लाजमी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ट्रांसपोर्टर अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करूं तो इधर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है क्या ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में, क्या करते हैं ऑक्सीजन को क्या कहते हैं कैरी कर रहा होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो इधर ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड मैकेनिकल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है ये बॉन्ड इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सेल, अगर आउटसाइड ऑफ द सेल की अगर मैं बात करूं इनसाइड ऑफ द सेल की बात करूं तो प्रोटीन एब्सेंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की हमने देखी थी वहां पे प्रोटीन क्या आते हैं प्रेजेंट होती है सही है।
एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम आपको पता है कि एंजाइम दर प्रोटीनेस इन नेचर, मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि एंजाइम दर प्रोटीनेस इन नेचर, जो एंजाइम प्रोटीनेस इन नेचर में होते हैं तो उसकी बात ये होती है कि विदाउट एंजाइम हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, प्रोसेस नहीं करेगी, सी क्योंकि उसको रिक्वायर होती है आप प्रोटीन, सी एक्वस मोडियम और वो खुद होते हैं क्या प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन जब होगी नहीं तो एंजाइम्स होगे नहीं, जब एंजाइम नहीं होगी तो हमारी बॉडी कुछ फंक्शन प्रोसेस वगैरह परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी, सही जितने सारे ब्रेकडाउन हो रहे हैं वो एंजाइम की मदद से हो रहे हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की मदद से हो रहे हैं, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नहीं होगी, तो एंजाइम्स में हार्मोन जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं डिफरेंट, सही है, आपके जो केमिकल जो आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं मैसेज दे रहे होते हैं एक पार्ट से दूसरी पार्ट, वो हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज की अगर मैं बात करूं, एंटीजन जो होते हैं एंटीबॉडीज जो होते हैं, ऐसे एक एंटीजन आती है लेट्स सपोज बैक्टीरिया की एंटीजन है तो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीबॉडीज के भी हमने इसको क्या करना है खत्म करना है, जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में होते हैं ये दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन आपको पता है लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं हमारी जो वेंट दे अभी जा रही है एक सेल अगर हमारी रेप्चर हो जाती है, सही है, एक आपकी जो है वेंट दे टूट जाती है वहां से खून बहना शुरू हो जाता है तो क्या होता है प्लेटलेट्स आके वहां पे क्या करते हैं खून जमाना शुरू करते हैं बंद करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ये ब्रिक्स हैं, सही, तो ब्रिक्स अगर आपको आप यहाँ पे रख लें तो आपकी जो होती है दीवार उस तरह से मजबूत नहीं होगी जब तक आप उसमें सीमेंटिक मटेरियल ना डाल दें, तो जब वहां पे प्लेटलेट आके वहां पे जमा हो जाते हैं तो फाइब्रिनोजन एज अ सीमेंटिक मटेरियल आके काम करता है खून को बंद करने की कोशिश करता है, फाइब्रिनोजन जो आपकी प्रोटीन होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, सही है, ये कुछ फंक्शन है और भी फंक्शन बहुत सारे हैं, सही है, प्रोटीन की ये जो मोस्ट एसेंशियल है मोस्ट बेसिक है वो मैंने आपको यहाँ पे क्या करते हैं पिन पॉइंट करके लिख दिए हैं। इसके बाद सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, सही है बेटा, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो कुछ प्रोटीन जो क्या होते हैं एसेंशियल होते हैं कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं और कुछ जो है फंक्शनली एसेंशियल होते हैं, सही है, थ्री टाइप्स के होते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल और फंक्शनली एसेंशियल, कुछ होते हैं जो हमें डाइट में खुराक से लेने पड़ते हैं, सही है, कुछ होते हैं क्या हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है और कुछ फंक्शनली एसेंशियल होते हैं मतलब जो हेल्दी बंदा होगा वो प्रोड्यूस कर पाएगा अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके सोर्सेस क्या है अगर सोर्स की मैं बात करूं एग की मैं बात करूं अंडे की मैं गोश्त की बात करूं मीट फिश की मैं बात करूं मिल्क की मैं बात करूं ग्रेन्स की बात करूं जो जितनी सारी दालें हैं मैं उनकी बात करूं तो उनमें क्या होता है प्रोटीन हमें मिल जाती है, इस कंप्यूटर टू अगर मैं एनिमल्स में देखूं तो एनिमल्स जितने सारे हमारे प्रोटीन थे वो हमें ज्यादा मिल जाते हैं इस कंप्यूटर टू प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में मैं कहता हूँ कम है या एनिमल्स में ज्यादा है, लेकिन वो वरी करता है अगर ज्यादा अमाउंट में अगर प्लांट प्रोटीन हो वो भी हमें मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं, अभी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग होती है, लेट सपोज अगर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है एक बड़े की रिक्वायरमेंट है मेल टू फीमेल भी फिर वरी करता है, सही है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या एक बंदा होता है जो काम कर रहा होता है, सही है, जो बॉडी बिल्डर होता है उसको ज्यादा रिक्वायर्ड होती है या प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है प्रोटीन की, सही है, वो फिर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है वरी करती है, बंदा टू बंदा क्या करता है डिफर कर रहा होता है, ये कुछ फंक्शन और सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, सो डियर फ्रेंड्स हमारी आज की लेक्चर यहीं तक थी, होप कि आप लोग समझ गए होंगे आपके जितने सारे टॉपिक हैं पॉइंट्स हैं होप क्या वो सब क्लियर है, अगर आप लोगों को यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं या इसके अलावा इस वीडियो के नीचे जो आप कमेंट कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ नासिर।